Oh, so so. No, no. Hey, you want kasa? Yeah, nina imponi. Nina imponi. Allah akbar. Hey, you want kasa? Allah akbar. Eh, yahu bida. Allah akbar. Yahu bida. Subhanallah. Subhanallah. आज की इस वीडियो में हम उस बैल के बारे में बात करेंगे जो कुर्बानी के बाद भी मौजज़ाती तौर पर ज़िंदा थी। लोग देखकर हैरान रह गए। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। अस्सलामु अलैकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ASN4 TV। आए रोज़ हमारी आँखों के सामने बहुत सारे वाक़ियात रोनवा होते हैं, मगर कुछ ऐसे ख़ास वाक़ियात होते हैं जो कभी कभी होते हैं, जो नाकाबिले यकीन होते हैं। इन्हें हम मौजज़ात कहते हैं। जब भी हम कोई मौजज़ा देखते हैं तो हमारे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं और हमारे ईमान भी ताज़ा हो जाता है, क्योंकि ये सारे मौजज़े अल्लाह ताला के हाथ में हैं। हमें इन मौजज़ात को देखकर अस्तग़फिरुल्लाह करना चाहिए और इस पाक परवरदिगार को याद करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। आज का ये जो वाकया है वो वीडियो के मुताबिक किसी अरब कंट्री का लग रहा है, क्योंकि इसमें आदमी अरबिक में बोल रहा है। कंट्री का कंफर्म नहीं पता कि ये उस वीडियो का ताल्लुक किस कंट्री से है। आज की इस वीडियो में इस ज़िबा हुई बैल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुर्बानी के बाद भी मौजज़ाती तौर पर ज़िंदा थी। लोग देखकर हैरान रह गए। वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोग देखकर अस्तग़फिरुल्लाह करने लगे। लोग उस बैल का गोश्त और पाए देख रहे हैं, मगर उस बैल का सर हिल रहा है जो वीडियो में देखा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर ज़बान से सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह ही निकलता है। आप इस मौजज़े के मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? क्या वाकई ये सच है, आप जानते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर किया करें। मेरे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त अब्दुल सत्तार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।